हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं युवा प्रकाश अंगमुत्तु की, जो कि तिरुपुर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। यह मिस्टर एशिया रह चुके हैं, मिस्टर कर्नाटक 2016 रह चुके हैं, मिस्टर इंडिया रनर अप भी रह चुके हैं और ऐसे काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिशन है ये जीत चुके हैं, बहुत सारी है। इसके आगे की लिस्ट क्या है, इनकी स्टोरी क्या है, इनकी बायोग्राफी, आपको वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे जब भी हमारी अगली वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। युवा प्रकाश बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहे हैं और सभी तरह के स्पोर्ट्स खेलना उनको पसंद था और जिमिंग से ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट उनको बचपन से नहीं था। पर एक बार की बात है, जब युवा प्रकाश कॉलेज फर्स्ट ईयर में थे तब एक साउथ की मूवी महाराजा मेहरम आई थी, जिसके अंदर हीरो का नाम सूर्या था और वह बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर था और उस हीरो की बॉडी बहुत ही अच्छी थी, साथ ही जो उस हीरो की हाइट थी वह भी युवा प्रकाश के बराबर ही थी। यह बात युवा प्रकाश को टच कर गई क्योंकि युवा प्रकाश भी उस टाइम मैकेनिकल इंजीनियर की स्टडी कर रहे थे और उनके पेरेंट्स भी उन्हें सूर्या बुलाते थे। बस इसी इंसिडेंट के बाद युवा प्रकाश को जिमिंग का भूत सवार हो गया और वो फिटनेस के प्रति काफ़ी सीरियस हो गए और इसके बाद से सूर्य प्रकाश काफ़ी अच्छी मेहनत करने लगे अपनी फिजिक को सुधारने में। दरअसल दोस्तों, युवा प्रकाश की जिम लाइफ इतनी टफ नहीं रही जितनी उनकी लव लाइफ रही है। तो अब आपको बताते हैं युवा प्रकाश की लव लाइफ के बारे में, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस करी है। युवा प्रकाश अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में पढ़ रहे थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, जहां उनकी मुलाकात मैसी से हुई जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही थी और मैसी उनसे जूनियर थी और युवा प्रकाश को वो तभी से पसंद आने लग गई और उन्होंने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया। जब बात बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई और उन्होंने शादी करने का सोचा तो उन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स को जाके कह दी, पर पेरेंट्स उनकी बात नहीं मानी और उनकी जो रिलेशनशिप थी वो स्ट्रगल करने लगी क्योंकि दोनों के पेरेंट्स इस शादी के लिए मंजूर नहीं थे, क्योंकि एक इंटरकास्ट मैरिज थी, जहाँ युवा प्रकाश एक हिंदू है वहाँ मैसी एक क्रिश्चियन है और दोनों के पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे इस शादी को लेकर और उन्होंने साफ मना कर दिया। वहीं साथ साथ जहाँ युवा प्रकाश अपने फिटनेस करियर पर ध्यान देने लगे, वहीं मैसी भी अपनी जॉब को लेकर बिजी होने लगी, जहाँ दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे। साथ ही उनकी रिलेशनशिप भी काफ़ी स्ट्रगल करने लगी और काफ़ी दोनों में डिस्टेंस आ गया, जहाँ वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे। पर इसके बाद भी, इन सभी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी, दोनों ने एक दूसरे पर कभी गिव अप नहीं किया, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और यही बात दोनों के पेरेंट्स को बहुत अच्छी लगी और फाइनली 3 साल के स्ट्रगल के बाद दोनों के पेरेंट्स मान गए, जहाँ 2017 में जून उन्होंने शादी कर ली और वो दोनों काफ़ी खुश हैं। और इसके बाद युवा प्रकाश ने 2017 में मिस्टर एशिया का खिताब भी जीता और अब वह ऑनलाइन कोचिंग और फिटनेस न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी भी करते हैं और कंपटीशन भी लड़ते हैं। युवा प्रकाश बहुत ही अच्छे फिटनेस मॉडल है। युवा प्रकाश हमेशा से ही ज़्यादातर क्रेडिट अपनी लाइफ पार्टनर मैसी को देते हैं, जहाँ उनका मानना है कि उनकी लाइफ में आज वो जो कुछ भी हैं उसमें ज़्यादातर जो रोल प्ले किया है उनकी पार्टनर ने किया है, चाहे फिटनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, उनकी जो लाइफ पार्टनर है हमेशा उनके साथ खड़ी रही है, हमेशा उनको सपोर्ट किया है। यही बात जो युवा कहते हैं कि उनको बहुत आगे लेके गई है और वो काफ़ी लकी फील करते हैं कि वह मैसी के साथ हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन आगे काफ़ी लोगों के तक पहुँचे।